अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विजडम वन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कामयाब लोगों की आदत जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप तक दिलचस्प मालूमात पहुँच सके। दोस्तों अगर आप सुबह 5 बजे उठें, पूरे दिन में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करने का प्लान करें, ठंडे पानी से नहाएं, गाड़ी होने के बावजूद पैदल चलें, तो शायद आप एक अमीर और कामयाब इंसान जैसी ज़िंदगी गुजारना जानते हैं। दोस्तों जेफ बेजोस दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। उस अमीर तरीन शख्स का कारोबार 2 पिज़्ज़ास पर मुनहसर है। अमेज़ॉन की हर मीटिंग में इतने ही लोग शामिल होते हैं जिनके खाने के लिए 2 पिज़्ज़ास काफ़ी होते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि मीटिंग में सिर्फ चंद लोग शामिल हों, बहुत ज़्यादा लोगों से मीटिंग नतीजा खैर साबित नहीं होती क्योंकि बहुत सारे लोगों से बहुत से अच्छे आइडियाज़ ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन बिजनेसमैन मार्क क्यूबन मीटिंग के हक में नहीं, उनके मुताबिक मीटिंग वक्त ज़ाया करने से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मीटिंग में लोग हर तरह की बात करते हैं सिवाय काम की बात के। मार्क क्यूबन की नज़र में ईमेल ज़्यादा बेहतर और मुनफरद तरीका है। दोस्तों मार्क जुकरबर्ग एक गैर मामूली तरीके से इंटरव्यू लेते हैं। फेसबुक के बानी ऑफिस में इंटरव्यू लेने के बाद इंटरव्यू देने वाले को अपने साथ वॉक पर ले जाते हैं और साथ साथ टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं। ये कितनी अजीब बात है मगर दफ्तर में बैठकर ये पूछने के 5 साल बाद तुम अपने आप को कहाँ देखते हो से बेहतर है। दोस्तों एक अरबपति बिजनेसमैन के लिए दफ्तर में काम के लिए काफ़ी अमला मौजूद होता है, लेकिन लैरी पेज इससे मुत्तफिक नहीं। गूगल के को फाउंडर का ख्याल है कि अगर एक शख्स किसी काम को बेहतर तरीके से कर सकता है तो उसे वो काम किसी और को नहीं देना चाहिए, और अगर वो शख्स वो काम खुद नहीं कर रहा तो उसे अपने सलाहियतों पर शक करना चाहिए और अपने आप को बेहतर करने के लिए उसे मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों अमीर होने की वजह से आप बेहतरीन लजीज खाना खा सकते हैं, लेकिन सभी कामयाब लोग ऐसा नहीं करते, यहाँ तक कि वो अपनी खाने की मकदार को बहुत महदूद रखते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक लंबे अरसे तक सिर्फ गाजर और फल खाएं क्योंकि उनके यकीन था कि ये गज़ा उनकी सेहत के लिए नहायत मुफीद है। ट्विटर और स्क्वेयर के CEO जैक डोर्सी हफ्ते में सिर्फ 7 बार खाना खाते हैं। जी हाँ, दिन में सिर्फ 1 बार खाना। वो ठंडे पानी से नहाना, पैदल चलने के बहुत शौकीन हैं। उनके मुताबिक ऐसे करने से उनका दिमाग और सेहत बहुत अच्छी रहती है। कम खाने का मकसद सिर्फ ये है कि वो अपनी त्वचा बिजनेस पर मरकूज कर सकें। वो रोज़ाना कई मील पैदल चलने के अलावा 1 घंटे योगा और 7 मिनट की जिस्मानी वर्जिश भी करते हैं। दोस्तों कामयाब लोग अमीर नज़र आने की कोशिश नहीं करते, वो महंगे कपड़े भी नहीं पहनते जो बहुत से लोग करते हैं। दरहकीकत अगर कोई दूसरे को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है तो वह हकीकत में अमीर नहीं। मिसाल के तौर पर मार्क जुकरबर्ग बहुत सादा से टी शर्ट से जीन्स पहनते हैं। अगर आप मार्क जुकरबर्ग को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलें तो कभी ये नहीं सोचेंगे कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल है। ये आदत मार्क जुकरबर्ग को अहम चीज़ों पर त्वचा मरकोज करने में मदद देती है। वो कपड़ों के इंतखाब करने में वक्त ज़ाया नहीं करते। स्टीव जॉब्स भी सादा लिबास पहनने के मैदान हैं। हम सबको आपकी टी शर्ट और जीन्स याद है। वो कपड़ों का इंतखाब करने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। अमीर और कामयाब लोग ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते, वो दूसरों के सामने बड़ाई मारने कुछ साबित करने को अच्छा नहीं समझते। आइकिया के को फाउंडर इंग्वर कैम्पार्ट ने भी बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी। अरबपति होने के बावजूद उन्होंने हमेशा जहाज़ में इकोनॉमी क्लास की टिकट पर सफ़र किया और हमेशा बजट होटल में रहे। कैम्पार्ट में 1993 मॉडल की वॉल्वो को इस्तेमाल किया। उनके ख्याल से पैसों को लापरवाही से खर्च करने की नहायत बुरी आदत थी। हम हमेशा अच्छा दिन गुजारने के लिए उसकी प्लानिंग को ज़रूरी समझते हैं, लेकिन एलन मस्क ने हमेशा सिर्फ 5 मिनट पहले प्लानिंग की। यकीनन ये आपको अहम कामों में बाखबर रहने में मदद करता है, लेकिन किसी भी काम की 1 दिन, महीना या साल पहले प्लानिंग करने से कुछ नफसियाती मसाइल पैदा हो सकते हैं। 5 मिनट पहले की प्लानिंग ज़्यादा हकीकत पसंदाना और काबिल फहम है। तो हमारे जहन में मार्था स्टीवर्ट और अल्बर्ट आइंस्टाइन आते हैं। स्टीवर्ट ने इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया कि एम्प्लॉय के डेस्क को रोज़ाना लाजमी साफ़ करना चाहिए और किसी को भी दफ्तर में ज़ाती चीज़ें मसलन फ़ोटो या कॉफ़ी कप लाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आइंस्टाइन के मुताबिक भरा हुआ डेस्क काम करने वाले की निशानी और खाली डेस्क खाली दिमाग की निशानी है। दोस्तों मशहूर बैंकर डेविड रॉकफेलर को अपनी ज़िंदगी में कीड़े मकोड़े जमा करने का बहुत शौक था। उनके पास तकरीबन 1.5 लाख के करीब नायाब कीड़े मकोड़े मौजूद थे। वो ज़्यादातर औकात में अपने साथ एक जार रखते थे जिसमें कोई भी नज़र आने वाले कीड़े को बंद कर लेते। उनके इस शौक ने उन्हें ज़िंदगी में बहुत दिलचस्प लोगों से मिलवाया।
दोस्तों, अगर सड़क पर कोई भी अजनबी आपको देख कर मुस्कुराए तो ये एक नहायत अजीब हरकत है, लेकिन एक बहुत बड़े सरमायादार हेले डेबर की ये आदत थी। उनके मुताबिक ये आदत उन्हें पुरजोश रहने में मदद देती थी। डेबर के मुताबिक वो अक्सर अपने ऊपर दबाव को इसी तरीके से ख़त्म करती थी, लेकिन एक ऊबर ड्राइवर या लिफ्ट में किसी शख्स को मुस्कुराहट देना आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर जोनाथन फ्रेंजन ने काम पर त्वचा मरकोज करने के मुनफरिद तरीका अपनाया। वो साउंड प्रूफ स्टूडियो में खिड़कियों पर पर्दा डालकर, कानों में एयर प्लग डालकर और लाइट्स ऑफ करके काम करने के आदी हैं। उनके मुताबिक तमाम देखने और सुनने वाली चीज़ों से दूर होकर उनके जहन में बहुत ही अच्छे ख्याल जन्म लेते हैं। दोस्तों, बिजनेस टाइकून वॉरेन बफे, जिनकी मालियत $74 मिलियन है और फोर्ब्स लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद हैं, अपने दिन का 80% हिस्सा किताबें पढ़ने में गुजारते हैं। उनके मुताबिक उनकी ये आदत उन्हें मुस्बत सोचने, बासलाहियत फैसले करने में मददगार साबित होती है। दोस्तों, वॉरेन बफे ने अपनी ज़िंदगी के बहुत से नाकाबले यकीन फैसले इन किताबों को पढ़ने की मदद से किए। रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन ग्रुप के मालिक, अपने दिन का आगाज़ सुबह 5 बजे योगा करने से करते हैं। उनके मुताबिक हर शख्स अपने दिन का आगाज़ इसी तरीक़ा से करे। बहुत से कामयाब लोगों के मुताबिक आपके दिन का आगाज़ ही आपके सारा दिन गुजारने की शुरुआत है। जिस तरह की आप शुरुआत करेंगे, दिन भी बिल्कुल वैसा ही गुजरेगा। वैसे रिचर्ड ब्रांसन का पसंदीदा खेल काइट सर्फिंग है। ओरेकल के बानी लैरी एलिसन अपने फारिग वक्त में एड्रेनलिन पंपिंग का शौक़ रखते हैं। उन्हें साइकिलिंग का भी जुनून की हद तक शौक़ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।